हेलो डियर, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम की बात करेंगे। वो प्रोग्राम हमारा कौन सा होगा, वो हमारा प्रोग्राम कौन सा होगा, हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, आज हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम देखेंगे जिसका नाम होता है जब हम लोग स्वैप नंबर का प्रोग्राम कराते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्रोग्राम प्रत्येक हर बार लगभग ओ लेवल में आता ही है प्रोग्राम बनाने के लिए कि स्वैपिंग नंबर का कैसे हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को बनाते हैं। तो यार, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है स्वैपिंग नंबर। तो स्वैप नंबर क्या होता है, पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि स्वैप नंबर होता क्या है, स्वैप नंबर किसे कहते हैं। देखिए यार, स्वैप नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब मान लीजिए हम दो नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक हमारा नंबर हो गया a बराबर 10 हो गया, यानी a इक्वल टू 10 हो गया और b इक्वल टू हमने 15 रख दिया, यानी हमने यहाँ पे दो नंबर को यहाँ पे इनपुट जब किया, तो यहाँ पे होता क्या है, a का मान क्या है 10 है, b का मान क्या है 15 है। तो a का मान b में हो जाए और b का मान c में हो जाए, वही हमारा क्या है, स्वैपिंग नंबर है। वही हमारा क्या है, वही स्वैपिंग नंबर है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 15 हो जाएगा और b इक्वल टू 10 हो जाएगा। कब होगा, जब आपका नंबर स्वैप हो जाता है, यही हमारा क्या होता है, स्वैप नंबर। क्या होता है डियर, स्वैप नंबर होता है। तो ये प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल प्रोग्राम है, तो किस तरीके से बनाएंगे इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। ओके, चलिए तो सबसे पहले डियर देखते हैं हम लोग इसको करते कैसे हैं और प्रोग्राम कैसे आपको एग्जाम में देता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे राइट ए प्रोग्राम, नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, इनपुट टू नंबर, इनपुट टू नंबर, राइट ए प्रोग्राम, इनपुट टू नंबर फ्रॉम कीबोर्ड, फ्रॉम कीबोर्ड, इनपुट टू नंबर फ्रॉम कीबोर्ड एंड स्वैप देम, एंड स्वैप देम, एंड स्वैप देम यूजिंग थर्ड वेरिएबल। किसका यूज करके, तीसरे वेरिएबल का यूज करके, यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमारा नंबर क्या हो जाए, स्वैप हो जाए। किसकी सहायता से, थर्ड वेरिएबल की सहायता से हमें क्या करना है, प्रोग्राम को स्वैप कराना है। आइए देखते हैं, जैसे हम आपसे कह दें, जैसे कह दें a इक्वल टू 10, a का मान क्या है 10 है और b का मान क्या है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये स्वैप होगा तो इसका स्वैप मान क्या मिल जाएगा, तो इसी का अपोजिट हो जाएगा, यानी a इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा डियर, a इक्वल टू 5। अब यहाँ पे जब स्वैप हो जाएगा तो एक बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर 10 हो जाएगा, यही स्वैप हो गया। ठीक है, इसकी कोडिंग बहुत आसान है, आइए देख लेते हैं। हेडर फाइल डिफाइन कर लीजिए, हमने यहाँ पे हेडर फाइल को डिफाइन कर लिया। ओके, चलिए कर्ली ब्रैकेट आपका ओपन हो गया। यहां तक सबको समझ में आ जाता है, हमको करना क्या है, पहले इंटीजर लेना है, हमें क्या करना है, पहले इंटीजर लेना है। ओके, चलिए इंटीजर कैसे लेंगे, आईएनटी डिफाइन कर लीजिए। आईएनटी में क्या रखना है, ए कामा बी कामा सी, क्योंकि हमको तीन वेरिएबल लेना है, यूज किसका करना है, थर्ड वेरिएबल का, ए बी सी मैंने यहाँ पे रख दिया। प्रिंट ऑफ मैसेज दे दिया, क्या दे दिया, प्रिंट ऑफ मैसेज दे दिया हमने। चलिए जल्दी से देख लेते हैं,
प्रिंटफ में हमको देना क्या होता है, इंटर टू नंबर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दो नंबर ले लिया, स्कैनफ। स्कैनफ में क्या करना है, क्या करना है स्कैनफ में, परसेंट डी दो बार लगाना है क्योंकि दो नंबर हमको इनपुट करना है। परसेंट डी कामा एंड ए कामा एंड बी। ओके, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए कर दें। हमें क्या करना है भाई, स्वैप कराना है, तो सी इक्वल टू हमने ए रख दिया, ए इक्वल टू बी रख दिया क्योंकि थर्ड वेरिएबल यूज करना है। ए इक्वल टू हमने क्या रख दिया, बी रख दिया, और बी इक्वल टू सी कर दिया। चलिए ये हमने यहाँ पे तीन पॉइंट डिफाइन कर दिया, ए बी, और फिर हमने यहाँ पे बी का यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, प्रिंटफ ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रिंटफ ले लेंगे। तो प्रिंटफ के लिए हमको करना क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, तो प्रिंटफ हम लोग कैसे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बात को, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ ले लेते हैं, और प्रिंटफ में हमको देना क्या है, आइए देख लेते हैं। बिल्कुल, प्रिंटफ में हमको क्या देना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लेंगे, द स्वैप ऑफ फर्स्ट नंबर, द स्वैप ऑफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू परसेंट डी। किसको कराना है, ए को कराना है, चलो हमने ए को करा दिया। फिर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंटफ ले लिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, द स्वैप ऑफ सेकेंड नंबर इक्वल टू परसेंट डी, और हमने यहाँ पे बी को प्रिंट करा दिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, गेट सी एच, फंक्शन को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, टर्मिनेटर को क्लोज कर दिया। ओके, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। चलिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंप्लीट आपको प्रोग्राम बता दिया कैसे हम लोग स्वैप कराते हैं। तो इसका आउटपुट तुरंत देख लेंगे, आउटपुट कैसे मिल जाएगा भाई, जल्दी देखिए आउटपुट। यहाँ पे हमने ए बराबर क्या रख दिया था, 10 रख दिया था, और बी बराबर क्या रख दिया था, 5 रख दिया था। स्वैप होने के बाद क्या हो जाएगा, बी का मान ए में, और ए का मान किस में आ जाएगा, ए का मान किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, ठीक है। ए का मान बी में आ जाएगा, ठीक, यही हमारा स्वैप नंबर है। ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 10। चलिए इस तरीके से आउटपुट हमने कंप्लीट करा दिया। ओके, तो डियर आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियोज में हम लोग इसके आगे चलेंगे। ओके।